सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको महिंद्रा 275 DiXP प्लस की वीडियो दिखाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जैसे स्ट्रक्चर की सबसे पहले हम ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं, काफ़ी अच्छी बनाई गई है। और यहाँ पर जो चढ़ने के लिए एक स्टैंड दिया गया है, बीच का प्लेटफॉर्म काफ़ी खुला दिया गया है। 5.5 लाख रुपये की प्राइस रेंज के अंदर आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पर जैसे गियर का कोयल डालने के लिए कि यहाँ पर नट दिया गया है जो कि पहले नीचे होता था, और जैसे ऊपर चढ़ते हैं इसमें 8+2 गियर, इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ड्यूल क्लच में ट्रैक्टर आने लगा है, पहले नहीं आता था। जो 275 DiXP प्लस है ये पहले नहीं आता था, अभी आने लगा है। और उसके साथ मीटर तो सभी के सेम ही हैं, जो ये नई लुक में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो मीटर भी काफ़ी अच्छा बना दिया गया है इन ट्रैक्टरों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुई के साथ यहाँ पे डिजिटल आपको आवर दिखाएगा। ये लाइटों के कंट्रोल, जिसमें आपको ये ऊपर नीचे करने के लिए, सिंपल ऑन करने के लिए इंडिकेटर का हो गया, ये चाबी यहाँ से। और अभी आपको इसकी साउंड भी दिखाएंगे, ट्रैक्टर के 3 सिलेंडर में है ये। यहाँ पे छोटा सा मोबाइल होल्डर, एक छोटी सी पॉकेट दे दी गई है, 12 वोल्ट का चार्जर लगेगा यहाँ पे। और उसके साथ गियर इसमें 4 फॉरवर्ड के हैं, 1 रिवर्स का है, और नीचे ये आइलो का हो गया इसमें। हालांकि इस ट्रैक्टर में डिफरेंशियल नहीं है, 37 HP का ट्रैक्टर है, और प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर ये है। साइडों में बैठने के लिए 2 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। लिफ्टों का वही सिंपल सिस्टम है, ADDC सेंसिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये देखिए कंपनी ने मेंशन भी कर रखा है CRPTO ड्यूअल क्लच। CRPTO का मतलब है रिवर्स PTO हो गया। और जैसा कि हम बात करें, यहाँ पे बीच वाली सीट काफ़ी चौड़ी और एडजस्टेबल दी गई है इस ट्रैक्टर में। साइड में एक छोटा सा टूल बॉक्स इधर दे दिया गया, और ये वही 2 व्यक्ति इधर 2 उधर बैठ सकते हैं, काफ़ी चौड़ा प्लेटफॉर्म है। ऑयली मस्ट ब्रेक हैं, ये देख सकते हैं आप, साइड में ड्रम लगा रखे हैं ऑयली मस्ट के लिए। और आपको इस ट्रैक्टर की ओवर लुक और दिखा देते हैं, ओवरव्यू। काफ़ी जो लुक पे जोर दिया गया है इन नए ट्रैक्टर्स के अंदर, ये जाली होती है इनमें, थोड़ा सा ये कलर दे दिया गया है, सिलेटिया कलर, काफ़ी अच्छा बना देता है ट्रैक्टर के लुक को। ये देखिए ट्रैक्टर की लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार हो गई है। और फ्रंट में वेट इन्होंने नीचे देना शुरू कर दिया है, ट्रैक्टर की लुक पे कोई असर नहीं है। आप बम्पर लगवा के आराम से ट्रैक्टर को चलाएं। और उसके साथ साइड में बैटरी रख रही हैं महिंद्रा के जो ट्रैक्टर हैं, इनमें फ्रंट में बैटरी का भी सिस्टम नहीं आया है, साइड में ही रख रहे हैं। और 13 के इसमें बैक टायर आपको देखने को मिलेंगे, 13/6/28 के, और फ्रंट वाले हैं 600/16 के, और ड्यूअल सिलेंडर जो काफ़ी अच्छा माना गया है ट्रैक्टर में कटाई के लिए, और आसानी से इसमें ट्रैक्टर एडजस्ट हो जाता है, तो ये इसमें यूज़ किया गया है। और वही सिंपल जो आता था महिंद्रा के ट्रैक्टर का। तो यही थी दोस्तों एक छोटी सी डैशबोर्ड रिव्यू की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। इनका कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट करके ट्रैक्टर के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।